अस्सलाम वालेकुम। आज मैं दुपट्टा बना रही हूँ जिसकी लंबी साइड पे ये वाली पलटा पाइपिंग लगाई है और पल्लुओं पे ये चीज़ लगा रही। एक पल्लू बना लिया है और दूसरा आपके सामने बनाऊंगी। मेरा गला रात से कुछ ख़राब है इसलिए आवाज़ जो है वो बदली लग रही है। ये डिज़ाइन बनाने के लिए 3 या 3.25 इंच चौड़ी पट्टी लें और इसको डबल करके सिलाई कर लें। अब इसको इस तरह सीधा करना है। अब ये जो सिलाई है इसको दरमियान में रख के अच्छी तरह आप प्रेस करें, इस तरफ से भी और सीधी तरफ से भी। फिर उसके बाद आप इसकी ये 3-3 इंच लंबी पट्टियाँ काट लें। ये मैंने काट के रखी हुई हैं। तो चलिए आप दुपट्टा बनाना शुरू करते हैं। इसके अलावा ये 2.5 इंच चौड़ी एक और पट्टी लेनी है। ये फोल्डिंग के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा रखें इस तरह। एक पट्टी लेके इसको डबल करें और यहाँ पे रखें। इसके ऊपर ये रख के या आप यूं कर लें, इसको इस तरह रख दें, बाद में फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। अब 1 इंच चौड़ी ये पट्टियाँ हमारी और इनके बीच का जो गैप है वो भी हम 1 इंच चौड़ा रखेंगे। यहाँ पे मैं निशान लगा लेती, ये देखिए, ये जब आप 4-5 पट्टियाँ लगा लेंगे तो आपको गैप का अंदाज़ा खुद ब खुद होने लगेगा। इसके अलावा ये जो 2 पट्टियों का बराबर है ना होना, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, जब आप यहाँ पे पट्टी रखें तो इसके बराबर इसको होना चाहिए। ऐसे मोड़ के यहाँ पे एक टॉप सिलाई लगानी। ये सिलाई जो है ये इस तरफ है, ग्रीन कपड़े की तरफ, ये देखिए। आप चाहें तो ये लुपियाँ इससे लंबी भी लगा सकते हैं।
लेकिन मैंने पूरे सूट पे लगाई है, कमीज़ के दामन और बाजू पे, तो इसलिए मैंने इनका साइज़ थोड़ा मीडियम रखा है। ये देखिए ये फालतू जो कपड़ा है इसको पहले अंदर की तरफ फोल्ड करना है, फिर इस तरफ लेके आना और ये लुपियाँ जो हैं ये बाहर निकाल लेंगी। अब जितनी चौड़ी पट्टी आपने रखनी है उतना रख लें, बाकी अंदर की तरफ फोल्ड कर दें। देखिए सिलाई यहाँ से शुरू कर ली, सिलाई नीट लगानी है क्योंकि यहाँ पे तरपाई नहीं होगी। ये देखिए भी बस ये दुपट्टा है, ये दोनों पल्लू हैं दुपट्टे के, ये और ये लंबी साइडें हैं पलटा पाइपिंग की, और ये इसके साथ शर्ट है। शर्ट पे भी मैंने दामन पे लगाया हुआ है और चाक पे पलटा पाइपिंग लगाई हुई है, बाजू पे भी यही लूप्स लगाए हुए हैं ये देखिए। और ये कपड़ा जो है ये शर्ट के गले पे कढ़ाई हुई है, उसके साथ मैच करके कलर लिया है। और कैप्रीज के साथ बिल्कुल सिंपल रखी है, उस पर कुछ नहीं लगाया। व्यूअर्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और मुझे सपोर्ट करें, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।